अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? तो आप सबका कुकिंग विद दुआ में खुश आमदीद। और इंशाल्लाह आप भी कह रहे होंगे कि आज मैं कैसे शुरू किया है। तो आज हम रेसिपी बना रहा हूँ, बना तो समय रही है लेकिन शुरू मैंने किया है। तो आप सबको दिखाते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं कि सर्दियों में, आपको पता है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं यूके में, बल्कि हर जगह पर। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि चलो कैसी चीज बनाए बच्चों के लिए भी, जो सब खाएं हम तो अच्छी हो। तो दिखाते हैं फिर हम क्या बना रहे हैं आज। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मूंग दाल की पंजीरी। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे माइनस में सर्दी जा रही है, तो मैंने सोचा कि पंजीरी बनाते हैं। एक तो ये हड्डियों के लिए, जिस्म के लिए बहुत अच्छी होती है, दिमागी कमजोरी को दूर करती है। अगर किसी की कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज है। और ये सारी चीजें मैंने इकट्ठी की हैं उसके लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है और किस किस क्वांटिटी में। सबसे पहले मैंने लिया है मूंग दाल का आटा, ये पिसा पसाया मुझे बाजार से मिल गया। ये मैं यूज कर रही हूँ 4 कप, कप वही जो मैं मग यूज करती हूँ अपने घर में चाय पीने वाला, वही है, ठीक है। उसके बाद ये है मेलन सीड्स, जिसको चारों मगज भी कहते हैं, ये मैंने लिया है 1.5 मग। और ये जो से है पम्पकिन सीड, ये भी 1.5 मग मैंने लिया। उसके बाद ये मैंने लिया है 1.5 मग रेजन्स लिए ग्रीन वाले। और ये है गोंद, गोंद का मैंने 100 ग्राम का पैकेट यूज किया है। उसके बाद है काजू, काजू मैं 2 कप्स यूज कर रही हूँ, बादाम भी 2 कप्स यूज कर रही हूँ, और पिस्ता मैं यूज कर रही हूँ 1 कप। और उसके अलावा इसको मीठा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मिश्री, जिसको शुगर कैंडी भी बोलते हैं। ये इस तरह से है, लेकिन इसको हमने ग्राइंडर में पीस लेना, पीस के फिर इसको डालेंगे। और देसी घी में मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि इसकी असल जो अफादियत है ना, वो देसी घी से ही निकलती है। और फूल मखाने हैं, फूल मखानों का मैं 100 ग्राम का पैकेट पूरा यूज कर रही हूँ। जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले देसी घी लेंगे, मैं तो बाजार का बना हुआ यूज कर रही हूँ। अगर आप घर में बनाते हैं तो फिर तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये देसी घी मैंने डाला है, मैं 1 kg वाला ना पूरा यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो अब कितना यूज होगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हम यूज करते जाएंगे। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला है, और 1 by 1 सारे जो नट्स है ना, इनको हमने इसमें रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाह, काजू से शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप चाहें ना तो आप इनको इकट्ठा भी डाल सकते हैं, काजू और जैसे होते हैं बादाम और पिस्ता, तो क्योंकि इनका कुकिंग टाइम जो उनसे है ना, फ्राइंग का टाइम, वो सारा एक ही है। तो मैं इसके साथ ही ना इसमें पिस्ते भी डाल रही हूँ। अब ये देखें, मीडियम हीट पे हमने इसको करना है फ्राई देसी घी में। इसको कितना फ्राई करना है? इसको इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज होगा और इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। उस स्टेज पे मैं आपको दिखाती हूँ, बस इनको जलाना नहीं है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ खुदा न खास्ता जल गई तो फिर सारी पंजीरी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखें जी, ये रोस्ट हो रहे हैं और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। बस इसको थोड़ा सा लाइट कलर और देना है, डार्क कलर नहीं होने देना किसी भी चीज़ का हमने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। अच्छा, इसमें मैंने आपको जो नट्स और शो किए हैं ना, सीड्स वगैरह, आप अपनी मर्जी से उनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही चीज़ आपने यूज़ करनी है, तो ये आपके अपने ऊपर है। ये देखें जी, अब आप देख सकते हैं कि कैशूज के ऊपर नाइस सा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन सा। बस अब ये टाइम है इनको निकालने का, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। एक आप स्पाइडर स्पून ले लो, और ताकि सारा जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, और साथ के साथ हमने इनको निकालते जाना है। हीट को हमने लो कर देना है, पहले हीट हाई पे थी। देखें जी, अब इसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा और डाला है, ऑयल बोल रही हूँ सॉरी, घी में थोड़ा सा और मैंने घी डाला है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम। सेम तरीके से बादामों को भी हमने फ्राई कर लेना है, आपको हमने टेस्ट कर देना है, और चम्मच को हिलाते रहना है इनको अच्छी तरह से आपने करना है। बादाम तो दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, ये रोस्ट हमने किए ना, ये देखिए ऐसे होना चाहिए। बच्चों को बादाम जरूर देने चाहिए, दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जी ये देखिए, जबरदस्त कैशू और पिस्ता शू, ऐसे इनको रोस्ट किया हमने। ये देखें जी, बादाम रोस्ट हो रहे हैं हाई हीट के ऊपर, और ये इनके छिलकों की वजह से कलर जो सा है ना घी का, वो थोड़ा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ले जी, अब ये भी रोस्ट हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं सॉरी,
इसको भी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो कैशू, पिस्ताशू और बादाम है ना, इनको हमने एक ही जगह पे निकाल लेना है, क्योंकि हमने ना इनको बाद में चॉपर में चॉप करना है, तो इन तीनों को हम इकट्ठा भी चॉप कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा घी डालेंगे, और घी के साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स, और इन दोनों को हमने वो जो हमने पहले नट्स रोस्ट किए हैं ना, उनमें मिक्स नहीं करना, बिकॉज इनको साबुत साबुत रखना है, ये साबुत ही अच्छे लगते हैं। अगर हम इसको चॉपर में चॉप कर देंगे तो फिर मज़े की लुक नहीं आएगी, इसलिए इनको अलहदा ही हम उसमें बाउल में निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आवाज़ सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही है, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और इसको अब हम अलहदा से एक प्लेट में निकाल देंगे। लें जी, अगेन पैन में मैंने ऑयल डाला है, और अब बारी है रेजन्स की। रेजन्स डाल दूंगी मैं इसमें, और रेजन्स की निशानी ये है कि जब ये फूल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी, रेजन्स रेडी हो गए हैं, इसको अब हम अलहदा बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि इनको भी हमने पीसना नहीं। लें जी, अब फिर से मैंने घी डाला, और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ गोंद, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि गोंद को आपने हाफ हाफ करना है, एकदम से सारी नहीं डाल देनी, क्योंकि जब इसमें फ्राई होना है ना तो इसमें फूलना है, और अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी और फूलेगी नहीं। अगर ये फूलेगी नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा च्यूई हो जाएगी, ये खाई नहीं जाएगी, इसलिए इसके फूलने का आपने वेट करना है। ये देखें, लाइट सी फ्लफी सी हो जाएगी पॉपकॉर्न की तरह। वो एकदम से अगर मैं सारी डाल देती ना तो वो फिर सही नहीं थी। ये आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज में डबल हो गई है, और बिल्कुल ये रेडी हो गई है, फ्लफी फ्लफी सी हो गई है। बस इस स्टेज पे हमने इसको निकाल लेना। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको मैं विंडो में रखती जा रही हूँ, विंडो में अच्छी हवा चल रही है, तो ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, और फिर इसको चॉप करना ना बड़ा इजी हो जाएगा। अब मैं डालने लगी हूँ मखाने, और मखानों की दफ़ा आपने जो घी है ना वो थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इन्होंने सारा घी पी जाना है, और इनको रोस्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ मखानों का, 100 ग्राम का पैकेट है, और इसको आपने जल्दी जल्दी से हिलाना है, बिकॉज अगर नीचे हम इसको छोड़ देंगे ना ऐसे ही, तो जो नीचे होंगे उन्होंने सारा घी पी जाना है, और ऊपर वाले ऐसे ही रह जाएंगे, इसलिए इसको हिला देना है, ताकि ये सारे अच्छी तरह से ऑयल को अब्जॉर्ब कर लें और रोस्ट हो जाए अच्छे से। ये देखें जी, ऑयल अब हमने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, आप देख सकते हैं ये 1 kg का डिब्बा था, और ये इतना ऑयल इसमें से यूज़ हो चुका हुआ है, तो ऑयल की आपने टेंशन नहीं लेनी घी की। अब लास्ट में हम भूनेंगे आटे को, तो आटे में घी ज़्यादा होगा बिस्मिल्लाह तो ही आटे की अच्छे से भुनाई होगी। तो इसको अब हमने आराम से मीडियम हीट पे हमने इसको भूनना है। ये देखें जी, इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, और हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हुआ है इसका कलर, तो अभी तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, और आपने चम्मच मुतवातर चलाते रहना है, जिधर आप रोकेंगे उधर ही आपकी दाल जोन सी है ना वो फिर जलना शुरू हो जाएगी। इसमें काफी मेहनत है ना, बहुत मसल पावर है। मसल पावर चाहिए आपको। सो ये उस दिन बनाए जिस दिन आपने कोई काम ना करना हो, कुकिंग ना करनी हो, सफाइयां ना करनी हो, सही बात है, उस दिन बनाए। अब ना आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सॉफ्ट सा और क्रीमी क्रीमी सा हो गया है, और फूला फूला सा हो गया है। ये स्टेज पे इसका जो उनसे कलर है ना, हमने इसका चाय जैसा कलर करना है, बहुत कड़क चाय वाला कलर नहीं करना, लाइट सा दूध पत्ती वाला कलर। तो मैं इसलिए ये मसाले दे रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए, और ऐसे करके ना ये देखें, और इसने ना थोड़ा थोड़ा साइड से घी भी छोड़ रहा है, तो इट मीन्स कि ये अब ऑलमोस्ट रेडी। आप स्पून पे भी देखो, ये देखो क्रीमी क्रीमी सा हुआ हुआ है और घी भी छोड़ रहा है, तो अब ये बस रेडी है तकरीबन। देखें जी, अब ये मैंने इसको बाउल में निकाला ना, तो ये देखें ऐसे पतला पतला सा हो गया, इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। अगर ये भुरभुरा सा रहेगा ना तो ये रेडी नहीं हुआ, अब ये बिल्कुल रेडी है। चलें जी, अब टाइम है, ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं, इनको हमने चॉपर में डाल के ना
मोटा मोटा सा चॉप कर लेना, इसका पाउडर नहीं बनाना। अगर ये ठंडी नहीं होंगी ना फिर ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, यानी मुश्किल होती है, तो बेहतर ये है कि जब तक आप आटा भून रहे हो ना आप इसको किसी ठंडी जगह पे रख दो तो इजीली फिर ये हो जाती है। अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैं उसी वॉक में डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से चॉप हुए हैं। अच्छा मैं ना आपको ब्लेड भी दिखा दूँ, मैंने ये वाला ब्लेड यूज़ किया, ये वाला। कुछ लोग फिर पूछते हैं कि आप ही आपने ब्लेड कौन सा यूज़ किया, ये देख सकते हैं, ये इसमें ऐसे लगेगा। और ये जी अब मैं डालने लगी हूँ फूल मखाने, तो ये भी डाल के ये सारे एक दफ़ा ही मैंने डाल दिए। और शेल्फ मेरी साफ है, इधर उधर जो गिरे हैं मैं वो भी उठा रही हूँ। और इसको भी, इनको बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का सा तोड़ना है। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हो गया। अब इसको भी हम इस मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। अच्छा ये वैसे तो नॉर्मली इनको तोड़ा नहीं जाता, लेकिन मैं थोड़े से तोड़ने लगी हूँ, बाकी मैं इनको ऐसे ही डालूंगी। तो जैसे ये देखें इतने से बस, बाकी ऐसे ही इसमें जाएंगे। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इनको चॉप कर लेते हैं। ये देखें ये बस हल्के हल्के से हमने तोड़ दिए हैं। ये देखें जी, ये सब चीज़ें पिस चुकी हैं। और ना जब ये साबत थी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना ऐसे इसमें से निकाली थी थोड़ी सी गार्निश करने के लिए सब चीज़ें। और उसके अलावा ये रेजन्स रह गए हैं, रेजन्स भी इसमें डाल देते हैं। ले जी अब हमने क्या करना है कि जो हमारी रह गई है ना दाल, उसको अब हम इसमें अभी भी मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमने चीनी या मिश्री या गुड़ जो भी आप इसमें मीठा डाल रहे हो ना, वो जब ये मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना आपने तब डालना है। अगर आप इसके गरम गरम में डाल देंगे तो क्या होगा कि जो जो मीठा है ना वो गरम में जाके पानी छोड़ता है, और इसको पानी से एलर्जी आप कह लो। जैसे ही अगर हमने पंजीरी को पानी लगाया, पंजीरी में सारी फंगस लग जाएगी और ये तबाह हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। मतलब ये है कि पानी इस फॉर्म में, क्या आपने जो भी इसमें मीठा डालना है वो मेक श्योर करना है कि दाल और नट सारे ठंडे हों। ये देखें जी अब ये तीनों चीज़ें रेडी हैं। ये मिश्री जो थी उसका मैंने पाउडर बना लिया, और ये जो दाल हमने भुनी थी ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसको तकरीबन हमने 2 घंटे वेट किया है और यह बिल्कुल ठंडी है। तो अब अल्लाह का नाम लेके इसमें मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, अब ये ठंडी हो गई है ना, तो इसकी वजह से ये फिर रनी भी नहीं रही। अच्छा जी अब मैंने डिसाइड किया है कि ये जो सारा मिक्सचर है ना इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी, तो इसके लिए मैंने ग्लव पहन लिए। अब ये मिश्री भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं, सारी डाल देते हैं। ये देखें इसका मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया। इतना फाइन है कि ये साथ चिपक गया। ये ले अब इसको हमने ना हाथ से, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इजी हाथ से है, क्योंकि चम्मच से वैसे नहीं मिक्स होगा। ऐसे करके ना इस सारे मिक्सचर को इतना मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें ना एक जान हो जाएं आपस में। वैसे भी है थोड़ी सी ये जॉब, बट इट्स ओके। ये देखें जी ये मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी मिक्स हो गई है ना। ऐसे करके छोटे छोटे दबा दबा के ना लड्डू भी बना सकते हो अगर आपको लड्डू अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ना ऐसे ये खुली खुली अच्छी लगती है। तो मैं इसको ऐसे ही 8-8 जार में डाल दूँगी और उसमें फिर हम इसको यूज़ करेंगे। रोज़ाना आपने रात को सोने से पहले ना इसको बच्चों को भी देनी है, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं, लाइक इतनी सी, बड़ों के लिए इतनी और बच्चों के लिए थोड़ी, क्योंकि इसमें जो नट्स हैं वो सारे गर्म हैं, साथ दूध का गर्म गर्म ग्लास। आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें, और फिर देखिएगा कि कैसे आपका दिमाग भी स्ट्रांग होगा और आपके जिस्म में भी आपको एनर्जी फील होगी। ओह माशाल्लाह देखें जी जबरदस्त डिलीशियस। अदनान अब चख के आपको बताएंगे कि कैसी बनी है। कैसी बनी है ठीक है। जी, बिल्कुल। तो
लें जी, जबरदस्त सी मजेदार सी पंजीरी की रेसिपी रेडी है और आपने इसको जरूर ट्राई करना है। आप इसको खाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और इसकी पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, फैन हैं, उनका नाम है कंवल नास और उनका बच्चा बेसिकली डिसेबल है और उनका भी चैनल है और वो चाहती हैं कि हम सब उनके चैनल के थ्रू उनकी हेल्प करें, जाएं उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियोस को देखें। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, सदका जारिया होता है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी हेल्प करें। तो आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हाफिज़।